मौजूद है तराव गांव में। देखिए यहीं पर 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं नीचे स्माइल फाइव में रिपोर्टर संजय कुमार गुप्ता। देखिए आज हम लोग तराव गांव में मौजूद हैं, यहीं पर 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज का काम चल रहा है, यही वो स्टेज बन रहा है जहाँ पर श्री देवकीनंद महाराज जी का आगमन होने वाला है। देखिए किस तरह से भव्य रूप से तैयारियां चल रही है। यही वो स्टेज है जो पूरा एसी लेस होगा, क्योंकि ये गर्मी का दिन है। महाराज जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरह से और भी स्टेज को पूरा ऊपर से ये पूरा अच्छा तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि ये समय लू का समय है। लोग जब आएंगे बारिश से तो लू नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पर ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था मौजूद है। यहीं पर 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ पर 29/4/2023 को जलभरी का कार्यक्रम रखा गया। देख सकते हैं ये जो पंडाल बन रहा है, इसी पंडाल में महाराज देवकीनंद ठाकुर जी का आगमन होने वाला। देखिए किस तरह से ये पंडाल कितना भव्य बन रहा है, आप दिखा सकते हैं एक बार दृश्य जनता को। ये पंडाल पूरा भव्य रूप दिया जा रहा है, क्योंकि जो महाराज है देवकीनंद ठाकुर, उनका एक गांव में, यानी कि कितना यहाँ के लोगों ने मेहनत किया है जो इतना बड़ा काज करने में कहीं ना कहीं सफल हुए। देखिए ये जो पंडाल है, ये जर्मन का पंडाल है, जर्मन पंडाल नाम है। ये गया के ठेकेदार द्वारा बनाया जा रहा है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन काम किया जा रहा है। देखिए सभी वर्कर लगे हुए हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत नजदीक आने वाला। आज 21 तारीख हो गया, 29 तारीख को जलभरी का कार्यक्रम रखा गया है। ये जो पूरा पंडाल होगा, ये पूरा पंडाल पर देवकीनंद ठाकुर के लिए पूरा एसी होगा, एसी फिट होगा कि उनको गर्मी नहीं लगे, क्योंकि ये समय है लू का समय है। लू के बचने के लिए देखिए जर्मन पंडाल मंगाया गया है। बहुत अच्छा काम कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने किया है। जो बाहर से लोग आएंगे उनको बैठने के लिए उनको आराम मिलना चाहिए, ताकि लोग यहाँ पर टिक पाएंगे, क्योंकि ये गर्म का मौसम है, इस समय पर लू चलता है। और लू से बचने के लिए देखिए जर्मन पंडाल को बुलाया गया, और बहुत ही अच्छा काम किया गया तराव के लोगों द्वारा इसके लिए। अभी हम लोग मौजूद हैं तराव गांव में। देखिए यहीं पर 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन किया गया। देखिए कितना भव्य रूप से यज्ञशाला की तैयारी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। देखिए ये 9 तल्ला का यज्ञशाला बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो कारीगर है लगभग 1.5 से 2 महीने से काम कर रहे हैं। देखिए कितना भव्य रूप, क्योंकि ये रूप अब अंतिम चरण में जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है 29/4/2023 को यहाँ पर जलभरी का कार्यक्रम रखा गया। आप दिखा सकते हैं किस तरह से भव्य यहाँ पर काम चालू है। नीचे स्माइल फाइव आप लोगों को बहुत ही बड़ी अपडेट दे रहा है, यहाँ का हर खबर आप लोगों को पहुंचाने का कष्ट कर रहा है, क्योंकि यही वो जग में महाराज श्री देवकीनंद ठाकुर का आगमन होने वाला है। देखिए कितना तराव के गांव के लोगों का धन्यवाद देना चाहिए कि इतना बड़ा का कथावाचक, यानी कि कहीं ना कहीं उनको पूरा भारत क्या पूरा विश्व जानता है, इतने बड़े कथावाचक को तराव जैसा धरती पर पधारने का मौका मिला है। और यही पर आइए और उनके शुभ मुख से श्रीमद भगवत कथा का लाभ उठाइए शाम 3 बजे से। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये जो यज्ञशाला है, ये 9 तल्ला है। आप उठाइए जनता को और आप लोग आइए, इस जग का भव्य आयोजन का लाभ उठाइए। यहाँ पर आइए और श्रीमद देवकीनंद ठाकुर जी से श्रीमद भगवत कथा का लाभ उठाइए, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब के भी माध्यम से उनका ये कथा सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आइएगा, उनसे मुलाकात होगी, उनके मुख से सुनिएगा किस तरह से श्रीमद भगवत कथा वो आप लोगों को सुनाएंगे। यही वो जग है 108 कुंडीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ, जो की तराव गांव में होने वाला है। 29/4/2023 को जलभरी का कार्यक्रम रखा गया। आप लोग आइए और जलभरी में भी आप लोग उपस्थित होइए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़े महाराज हैं देवकीनंद ठाकुर। इस बार बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात है कि दो दो भारत के अनमोल कथावाचक बिहार में आए हुए। एक तरफ से अनुंद्रानंद चार्ज जी आए हुए हैं, और दूसरी बार रोहतास जिला में श्री देवकीनंद ठाकुर जी का आगमन होने वाला है। बहुत ही खुशी की बात है। इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीमान नारायण। की अभी हम लोग मौजूद है तराव गाँव की एक शाला के अंदर। आप दिखा सकते हैं किस तरह से काम प्रगति पे, आप दिखाइए एक बार, देखिए कितना बेहतरीन ढंग से बनाया जा रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रेशर है मिस्त्री पर। आप देख सकते हैं इसमें कितना मिस्त्री मिलकर ये काज को कर रहे हैं। आप दिखाइए एक बार दृश्य, जो एक यज्ञशाला है ये 9 तल्ला है। अब इसका भीतर का आप लोगों का दृश्य दिखाते हैं, और सबसे बड़ा कुंड में भी काम प्रगति पे आप दिखा सकते हैं। देखिए किस तरह से
यही है, देखिए जो यक्षशाला के भीतर के सबसे बड़ा कुंड बन रहा है, देखिए आप देख सकते हैं, जनता को एक बार दिखाइए। और इस काम अंतिम क्षण पर चल रहा है क्योंकि जग का जो टाइम है 29/4/2023 को जलभरी का कार्यक्रम रखा गया है। एक बार दिखाइए किस तरह से यक्षशाला का अंदर का दृश्य हो गया।